हाय गाइस, तो आज का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो है उस इम्पॉर्टेंट काम के बारे में जो कि आपको दुबई आने से पहले जरूर करना है, और वो काम है अपने डॉक्यूमेंट्स का अटेस्टेशन करवाना। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपको अटेस्ट करवाना पड़ता है, और ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन आप कहाँ से और कैसे करवा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। तो सबसे पहला सवाल है कि डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होता क्या है। जब आप अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश में काम करने के लिए जाते हैं, यहाँ पर आप जॉब करने के लिए जाते हैं, या फिर बिजनेस के लिए जाते हैं, या फिर आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, या फिर आप वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो जो कोई भी केस हो उस केस में आपको उस देश की सरकार, उस देश का गवर्नमेंट आपसे आपके डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को जानने के लिए चाहते हैं कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड हों। अटेस्टेशन का मतलब होता है कि आपके देश की जो गवर्नमेंट है, जो भी अथॉरिटीज़ हैं उस डॉक्यूमेंट के पीछे, उन्होंने उस डॉक्यूमेंट की ओरिजिनलिटी, उसकी जेन्युइननेस को वेरीफाई किया है, और उन्होंने उस पर एक स्टैम्प लगाया है, एक छोटी सी मोहर होती है, डिफरेंट मोहर होती है, वो उस डॉक्यूमेंट के पीछे लगाते हैं, और उसके हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाता है कि ये डॉक्यूमेंट नकली नहीं है और ओरिजिनल है, और दूसरे देशों की जो अथॉरिटीज़ हैं उसकी डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस को सही मान सकते हैं, और उसमें कोई भी घपला नहीं है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करी जाती है। तो अब बात करते हैं कि अटेस्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बिकॉज अगर डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड नहीं होंगे, सिर्फ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स कोई भी ले जाके दिखा देगा किसी और कंट्री में कि मेरे पास ये डिग्री है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आर्किटेक्चर की फेक डिग्री दिखा देता है कि भाई उसने कर रखी है पढ़ाई, और उसको उस बेसिस पे जॉब मिल जाती है, और वो कोई ऐसी बिल्डिंग बनाता है, ऐसा डिज़ाइन बनाता है जिससे कि इतने सारे लोगों की लाइफ रिस्क में, और कल को कुछ भी वो बिल्डिंग ढह गई, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो उन सबकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो इसलिए हर गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स कोई दे रहा है वो बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हों और फेक ना हों। जैसे अभी इंडिया में एक केस हुआ था जो कि न्यूज़ में काफ़ी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, कि एक जाली डॉक्टर था, दुकान खोल के बैठा था, अपने आप को डॉक्टर क्लेम कर रहा था जबकि उसने कोई पढ़ाई नहीं करी, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, और उसने बच्चे के जख्म पे दवाई लगाने की जगह फेविक्विक लगा दी थी, विच मेड इट इवन वर्स। तो इस तरह के केसेस ऑब्वियसली होंगे अगर लोग नकली डिग्री दिखा के, नकली डॉक्यूमेंट्स दिखा के किसी भी देश में जाके कुछ भी ऐसे काम वगैरह करने लग जाएं। इसलिए ज़रूरी होता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट किए जाएं, और पक्का प्रूफ हो कि वो जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ सही है और उसकी वेरिफिकेशन हुई है। इसीलिए डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगला सवाल है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी अटेस्टेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो अगर आप किसी भी कंट्री में मूव होंगे तो, और आप वहाँ पर जॉब करना चाहेंगे, तो आपकी जो भी डिग्री हैं या एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो सब अटेस्टेड होने चाहिए। दूसरा, अगर आप वहाँ पर, अगर आप मैरिड हैं और आप वहाँ पर प्रॉपर्टी रेंट करेंगे, तो उसके लिए आपका मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड होना चाहिए। और अगर आपके बच्चे हैं जो कि अगर इंडिया में पैदा हुए हैं, तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड होना चाहिए। अगर आप स्कूल में एडमिशन लेंगे तो वहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तो इस केस में भी डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए होंगे। यस। और अगर आप बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो उस केस में भी आपका हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट या डिग्री वो अटेस्टेड होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आखिर अटेस्ट कहाँ से करवाएं। तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपकी जमा पूंजी की तरह होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार वो गुम हो गए तो आपकी जो भी डिग्री है वो वापस नहीं मिलेगी, शायद आपको अपने कॉलेज जाना पड़े और आपको बहुत झमेले में पढ़ना पड़ेगा वो डिग्री लेने के लिए। तो इस केस में अगर आप किसी भी ऐरी गैरी कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे और उन्होंने गलती से गुम कर दिया, कुछ भी ऐसा केस हो गया जिसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स चले गए, तो आपको उस केस में बहुत पछताना पड़ेगा और आप उस सदमे से निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही रिस्की काम है, इसलिए एक ट्रस्टेड एजेंसी के पास में जाना ही समझदारी है, ताकि आप अपना डॉक्यूमेंट टाइमली अटेस्ट करवाएं और आपका डॉक्यूमेंट सेफ भी रहे और आपको सही सलामत आप आराम से मिल जाए। तो यहीं पर हम आपको बताना चाहते हैं एक्सीलेंट अपोस्टिल सर्विसेज कंपनी के बारे में, जो कि अपोस्टिल अटेस्टेशन और लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक्सीलेंट अपोस्टिल सर्विसेज आपको होम पिकअप एंड डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इनके ब्रांचेस काफ़ी सारे शहरों में हैं,
तो आप इनके वेबसाइट पर जाएं और इनका एक फॉर्म भरें जहां पर आप अब रिक्वेस्ट करें कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना है या कौन से डॉक्यूमेंट में आपको अपोस्टिल या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विसेज लेने हैं, तो उसके हिसाब से ये आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपकी डॉक्यूमेंट्स पिकअप करके टाइमली अटेस्ट करवा के सारा काम बहुत ही अच्छे से करेंगे और आपको आपके घर पर वापस डिलीवरी कर देंगे। तो आपके डॉक्यूमेंट सही सलामत आपके हाथ में कम्प्लीटली अटेस्ट होके पहुँच जाएंगे। अगर आप इनके गूगल रिव्यूज़ पढ़ेंगे तो आप देखें कि लोगों ने इनकी बहुत तारीफ़ करी है। तो अगर आपको अपने कोई भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना है या फिर अपोस्टिल करवाना है या फिर आपको लैंग्वेज ट्रांसलेशन करवाना है, तो आप एक्सीलेंट अपोस्टिल सर्विसेज कंपनी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपने इनको कभी यूज़ किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर शेयर करें। तो यह है मेरा बीटेक का डिग्री सर्टिफिकेट और इसको भी मैंने अटेस्ट करवाया था। यहाँ पर आप नोटरी की स्टैम्प्स और एम्बेसी यूएई एम्बेसी की दो स्टैम्प्स देखेंगे, इसे ही अटेस्टेशन कहते हैं। अटेस्टेशन 15 से 20 दिन में हो जाता है, लेकिन आपकी लोकेशन डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपकी टाइमिंग और आपकी कॉस्ट भी डिफरेंट हो सकता है। एग्जैक्ट प्राइसिंग और टाइमिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें और इस फॉर्म को भरें। फॉर्म के सबमिट होते ही कंपनी वाले आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपके अटेस्टेशन के प्रोसेस को शुरू कर देंगे। और आप बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विसेज की ज़रूरत भी आपको इसलिए पड़ती है बिकॉज इंडिया में हम जानते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स हैं और कई सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनके रीजनल लैंग्वेज में होते हैं, तो ऑब्वियसली वो लैंग्वेज तो बाहर दूसरे देशों की गवर्नमेंट को नहीं समझ आएगी आपकी रीजनल लैंग्वेज। और कई सारी कंट्रीज़ होती हैं जो चाहती हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनकी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड हों। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो मराठी में है, तो और अगर आप या तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराएंगे, या तो जैसे अगर आप शारजा या आबू धाबी कहीं मूव कर रहे हैं और आपको घर रेंट पर लेना है और आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, तो वहाँ पर आपको चाहिए होगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट लोकल जो कि यहाँ की लैंग्वेज है अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाएं और ट्रांसलेशन के बाद उसको अटेस्ट करवाएं। तो बेसिकली अगर आपका डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है किसी लोकल लैंग्वेज में या फिर हिंदी में, तो उसे आप इंग्लिश में बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेट करवा लें और उसको अटेस्ट करवा लें। और अगर आप यहाँ पर आते हैं उसके बाद में आपको वो डॉक्यूमेंट किसी दूसरी लैंग्वेज में रिक्वायर्ड है, जैसे अरबिक में या किसी और लैंग्वेज में रिक्वायर्ड है, तो आप उसको भी आपने पहले से ही ट्रांसलेट करवा के उसको अटेस्ट करवा के लेकर आएँ। तो गाइज़ आप में से जो लोग नहीं जानते उनके नॉलेज के लिए हम बता दें कि हम यूएई के लिए होटल्स फ्लाइट्स वीज़ा ऑटो सभी कुछ प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही कम प्राइस पे। तो अगर आप भी दुबई आने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपने रिक्वायरमेंट्स हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। और गाइज़ तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत ही मज़ा तो आया ही होगा और साथ में आपको ये सारी जानकारी मिली होगी, क्योंकि हमें आज भी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कि पूछते हैं कि अटेस्टेशन कहाँ से करवाएं, कैसे करवाएं। तो इस वीडियो के देखने के बाद में नाउ यू नो कि आपको अटेस्टेशन कहाँ से करवाना है, कैसे करवाना है। और गाइज ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें बिकॉज आई एम श्योर कि वी आर श्योर कि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी बिकॉज हम लोग वीकेंड्स पे बैठ के पूरा रिसर्च करते हैं वीडियोस के टॉपिक्स पे, स्क्रिप्ट लिखते हैं, एडिटिंग करते हैं, शूटिंग करते हैं, तो इतना सारा काम करते हैं बिकॉज आप लोगों को पता है कि हम लोग बाकी यूट्यूबर्स की तरह दिस इज़ नॉट आवर फुल टाइम जॉब, हम दोनों की अपनी अपनी जॉब हैं जो हम पूरे हफ्ते करते हैं, उसके बाद वीकेंड पे भी हम टाइम निकालते हैं अपनी यूट्यूब फैमिली तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आने के लिए। तो हम लोग इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, बाकी लोगों की तरह वीकेंड पे नेटफ्लिक्स एंड चिल नहीं करते हैं, मूवीज़ नहीं देखते हैं, सोते नहीं हैं, पार्टी नहीं करते हैं, तो इतनी हम मेहनत करते हैं, अपना टाइम और एफर्ट लगाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरह की और वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाते रहें। और वीडियोज़ को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं और उनको ये नहीं पता ये कैसे कर रहे हैं, तो अगर आप शेयर करेंगे तो उन्हें भी इनके बारे में जानकारी मिल पाएगी। यस, तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे, अंटिल देन टेक केयर, बाय।